अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में जो लेक्चर देखने जा रहे हैं वो अरेज लेक्चर नंबर 11। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरेज का जो टॉपिक है, इसी में से आपको पेपर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो आपका वाइवा होगा वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरेज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं जी अरेज क्या होती हैं। ये एक स्पेशल डाटा टाइप है, ठीक है। इफ़ वी हैव कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप इज एज इन द केस ऑफ स्टोरेज ऑफ द एज, कि अगर आपके पास सेम टाइप के 100 बच्चे हैं ना, 100, आप उसको अरेज का यूज़ करते हुए स्टोर करवा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अरे एवी अरे हैज ए डाटा टाइप, इसका एक डाटा टाइप होती है, इसका नेम होता है, अरे एक साइज होता है, इसकी ये डिक्लेरेशन है। आप इसको डिक्लेयर कैसे करवा सकते हो, पहले मैंने बोला डाटा टाइप, ठीक है। सेकेंड इसका नेम होता है अरे नेम, और फिर इसकी वैल्यू साइज होता है, इसका कितना साइज है, 56 कर लें, ठीक है, 5 कर लें। तो साइज़ के लिए आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, ना कि कर्ली ब्रैकेट्स। साइज़ के लिए आप ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे आप, ओके। ये इसका सिंटैक्स हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को करवाता हूँ डिक्लेयर, अरे को डिक्लेयर करवाता हूँ। अरे इंटीजर्स की टाइप है, अरे इसका नाम है, ठीक है, और ये इसका साइज, ये हमारे पास एक अरे क्या हो गई है, डिक्लेयर हो गई है, ओके हो गया। तो अब अरे क्या चीज़ है, अरे में आपका टोटल साइज से लेस देन 1 होता है एक नंबर, ठीक है। जैसे कि 5 है, फर्ज कर लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नंबर दिया 1 2 3 4 5, यहाँ मैं इज इक्वल के साइन लगाता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो इंडेक्स 1 है, यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू पड़ी है, 0। इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है हमारे पास, 1। इंडेक्स 3 पे कौन सी पड़ी है, 2। इंडेक्स 4 पे 3, और इंडेक्स 5 पे 4। मैं जैसे बोला था कि लेस देन 1 होता है, अरे का साइज़ कितना है, 0, और आपकी जो अरे होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। अरे स्टार्ट होती है 0 से, तो इसलिए लेस देन 1 हमारे पास आता है इसका साइज़, ठीक है। ये टोटल 5 है, तो लेस देन 1 आ गया, कितना बनेगा, 4। अगर आपके पास साइज का 100 है, ठीक है, फिर कितना आएगा, 99 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो अरे होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपका। उसके बाद अरे का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये प्रोग्राम सब आपको मैं करवा दूँगा खुद ही। यहाँ पर अरे को डिक्लेयर किया जा रहा है 3 तरीक़ों से, पहले इंटीजर, इसका टाइप, उसका नेम, साइज़, और इसमें की है वैल्यूज़। यहाँ आप इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो डिक्लेयर, इस तरह से भी, और इस मेथड से भी आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर करवा सकते हो। सिंपल सा सैम्पल प्रोग्राम है, आप खुद ही करना है, ठीक है। इसमें जस्ट वो क्या करेगा कि यूज़र जो भी यूज़र लेगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेगा, और जब भी यूज़र -1 कंप्यूट करेगा ना, तो आपका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसमें कोड है, आपने ये कर लेना, छोटा सा कोड है, आप इसको कर देना, प्रैक्टिस कर देना इसके कोड की। कॉपिंग अरेज क्या होता है कि अरे फोटो का भी ऐसे आप करवाना चाहते हो अपने आईडी कार्ड की, किसी भी चीज़ की, डॉक्यूमेंट की, तो कॉपी करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उसका साइज़ और एक उसकी डाटा टाइप। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है, फिर वो अरे जो होगी कॉपी होगी, अदरवाइज वो अरे कॉपी नहीं होगी। जैसे कि इसका साइज़ भी क्या है, 9, ठीक है, और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या हो रही है, अरे कॉपी हो रही है, ठीक हो गया। ये भी प्रोग्राम आपने खुद ही करना है, ये सम ऑफ स्केल लेगा, ठीक है। जितना भी आप उसमें प्लीज़ इंटर द 10 नंबर्स के, जितने भी उसने नंबर्स 10 इंटर किए हैं ना, तो उनका सम करके उसका क्या करेगा, स्केल ले लेगा। लेकिन सच क्या होता है कि कोड में से किसी को भी इंटीजर को फाइंड ही करना, जैसे कि यहाँ पे सारे एग्जांपल भी दिया कि ये क्या कर रहा है कि जो भी यूज़र इंटर करेगा उसको उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आपने खुद ही करना है कोड, बार बार मैं कह रहा हूँ आपने खुद ही करना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी गेम है,
गेन क्या करेगी, गेन ये करेगी कि जो भी यूज़र जो है ना वो इंटर करेगा वैल्यू, ठीक है, तो उसको कह देगा नंबर वाज नॉट फाउंड या नंबर वाज फाउंड, दैट वो फोन इंटीजर एट पोजिशन, कि आपने जिस पोजिशन पे नंबर को फाइंड करना चाहा उस पोजिशन पे ये वाला नंबर हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है। अगर वो नंबर पड़ा होगा आपको वो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट की क्या करता है, कॉन्स्ट की वर्ड्स क्या करता है, ये भी एक कीवर्ड है, तो अगर मैं इस यहाँ पे कॉन्स्ट लिखता हूँ ना तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये इसका रिजर्व है, कीवर्ड है इसका, ठीक है। तो इसको हम यूज इस तरह से करते हैं, अरे के किसी भी रेडर टाइप के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये शुरू में लगेगा, जैसे यहाँ पर इसको लगाया हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टेंट लगाने से इसकी वैल्यू क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अब आ जाएं आप एग्जाम्पल्स की तरफ। पहले एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे मैंने अरे डिक्लेयर कराई है AR के नाम से, इसका साइज दे दिया मैंने 15, वैल्यू मैंने दी इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो यहाँ पे नीचे मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको डिक्लेयर करवा रहा हूँ कि मेरे पास 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 1 इंडेक्स पे कौन सी पड़ी है, 2 इंडेक्स पे कौन सी पड़ी है, 3 इंडेक्स पे कौन सी पड़ी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करना चाहूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो अब देखते हैं कि 0 इंडेक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है। 0 इंडेक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, 1। 2 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 2। 3rd पे 4, ठीक है। अगर मैं इसको पहली तरह ही कर लूँ मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब देखना 0 इंडेक्स में हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2nd पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3rd पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस तरह आप बाकी वैल्यूज़ को भी लिख के तो क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। 5th, अरे यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगी, किस इंडेक्स पे आप इसको स्टोर करवाना चाह रहे, 4 वाले वैल्यू। तो यहाँ पे एंड लाइन क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए या उसको स्पेस देने के लिए, ओके। ये था इंटीजर वाली एरे और ये है कैरेक्टर वाली एरे। अब एक और चीज़ कि जो आपकी एरे होती है ना, ठीक है, ये आपका स्पेस भी काउंट करती है, क्या करती है, स्पेस काउंट करेगी और एंड पे एक होगा नल करेक्टर, उसको भी ये क्या करती है, काउंट करती है। कितनी चीज़ें काउंट करती है, स्पेस काउंट करेगी और एक नल करेक्टर काउंट करेगी। मैं आपको समझाता हूँ अभी। फर्ज करो कि मेरे नेम के किस स्पेलिंग है, 6, ये हैं 6 ही ये हैं, 12 हो गए, ठीक है। अब मैं 12 करता हूँ तो आया कि ये चलेगा या नहीं, एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि जो अरे होती है वो एक आपकी स्पेस काउंट करती है और एक क्या करती है, नल करेक्टर को काउंट करती है। आपको MCQs भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, किसके साइज कितने, तो एक स्पेस ये हो गई। अगर मैं 13 करता हूँ, यहाँ पे 13 लिखता हूँ तो फिर भी नहीं चलेगा। अब ये स्पेस तो काउंट हो जाएगी लेकिन जो एंड पे नया करेक्टर आ रहा है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, देखा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 14 करता हूँ तो अब ही चलेगा, क्यों, क्योंकि अब उसने स्पेस भी काउंट कर लिया है और जो एंड पे नया करेक्टर आ रहा है वो भी उसने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रिंग मैंने टाइप की रे ली है, उसमें मैंने ये जो कार्स हैं इनके नाम लिखे हैं, तो फॉलो अप लगा के उसकी वैल्यू ले रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा ये भी कोड है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक हो गया। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।